वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। ये फिजिकल केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 11th में हमें पढ़ना है बेसिक कंसेप्ट अबाउट रेडॉक्स रिएक्शंस, फिर हमें इसको अप्लाई करना है अगले साल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बेटा, और हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। आपको अगर ये चैप्टर क्लियर हुआ, अगले साल आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा, और हम डिस्कस करेंगे आज व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, हाउ वी आइडेंटिफाई रेडॉक्स रिएक्शन। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड, उसके लिए हम रूल्स लिखेंगे और हम वो भी सीखेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले आप टॉपिक का नाम डालो रेडॉक्स रिएक्शंस। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हर साल इस पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा, टॉपिक का नाम डालो रेडॉक्स रिएक्शंस। गवर्नमेंट पढ़ो इस गेम चैप्टर्स में एमिच इंपॉर्टेंस, सबसे पहले लिखो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है क्या, हम क्यों पढ़ते हैं ये चैप्टर, लिखो इंपॉर्टेंस। वो सब बेटा फर्स्ट पॉइंट, केमिस्ट्री डील्स विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो मैटर ट्रांसफॉर्म होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, इट इज बिकॉज ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शनों की वजह से ही मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस लिखो, कन्वर्शन ऑफ मैटर फ्रॉम वन काइंड टू अनदर काइंड, या आप लिख सकते हो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है बेटा, व्हाट इज केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कन्वर्शन ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शंस, और वो केमिकल रिएक्शन कौन होती है, जनरली इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, सेकंड एप्लीकेशन क्या है, फॉर ऑब्टेनिंग फ्यूअल, हमें फ्यूअल चाहिए फॉर रनिंग व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए और कमर्शियल पर्पस के लिए हमें फ्यूअल चाहिए, फ्यूअल से हमें एनर्जी निकालनी है, वही एनर्जी किसके लिए जरूरी है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीकल्स एंड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। उस फ्यूअल से हम एनर्जी कैसे निकालेंगे, इट इज विद द हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फ्यूअल्स। ठीक है, फ्यूअल से एनर्जी निकालने के लिए हम यूज करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। याद रखना, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस एज वेल एज फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पसेस। ठीक है, पेट्रोल से एनर्जी निकालो, डीजल से निकालो, गैसोलीन से निकालो, वो हम निकालते हैं बाई द हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। थर्ड लिखो, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव मेटल्स ड्यूरिंग मेटलर्जी दौरान करना एक्सट्रैक्ट इज रिएक्टिव मेटल्स, अल्मोनियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड नॉन रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, वहां पर हम रोस्टिंग करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। इसका मतलब है मेटलर्जी में भी ये इस्तेमाल होता है रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैक ऑथर फॉर इस साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखो, वर्किंग ऑफ ड्राई एंड वेट बैटरीज। हमारे पास बैटरीज होते हैं ऐसे नहीं ना, बैटरीज आसन, चाहे मोबाइल की बैटरी हो, चाहे कार की बैटरी हो,
चाहे हमारे पास टार्च हो, चाहे हमारे पास रेडियो में जो हम बैटरीज यूज करते हैं, सेल्स यूज करते हैं, तिह सारी वर्किंग कारण एक्सप्लेन कस रिडॉक्स रिएक्शन। याद रखना वर्किंग ऑफ ड्राई एंड वेट बैटरीज। हमारे पास होती है बैटरी जो हम यूज करते हैं कार्स में, उसका नाम है सेकेंडरी सेल लेड स्टोरेज बैटरी। प्राइमरी सेल भी हमारे पास होते हैं लिंक लांची सेल, ठीक है, ड्राई सेल जिसे हम कहते हैं, उसकी फंक्शन को भी एक्सप्लेन करता है कौन, रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट लिखो, कोरोजन ऑफ मेटल्स, इसको भी एक्सप्लेन करता है रिडॉक्स रिएक्शन। अगले साल पढ़ेंगे व्हाट इज कोरोजन, व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म, ठीक है, शिस्टरस खाई खसन, दैट इज अगेन एक्सप्लेन बाय रिडॉक्स। सिक्स पॉइंट पे आ जाओ, शेम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। हमें इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनानी है, हमें बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड, हमें बनाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2S, हमें बनाना है नाइट्रिक एसिड, हमें बनाना है कैल्शियम सल्फेट, हमें बनाना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमें बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ये सभी केमिकल्स हम सिंथेसाइज करते हैं बाय यूजिंग रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। को एनिल मतलब गो यस, ये चैप्टर वाले इंपॉर्टेंट। सेवंथ भी लिखो, सेवंथ फॉर हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन वाटर से आप निकालो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को कन्वर्ट करो किस में, फ्यूल में, दैट मीन्स इट इज यूज फॉर हाइड्रोजन इकोनॉमी में। एंड फॉर स्टडिंग ओजोन होल एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ये भी अंडर द टाइटल आते हैं, किसके टाइटल में, रिडॉक्स रिएक्शंस। ऐसे हमारे पास है काज ऑफ एसिडिक रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ओजोन होल का काज क्या है, ठीक है, हाइड्रोजन इकोनॉमी है क्या, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं अंडर द टाइटल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ जो ये चैप्टर है इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, इसका साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन बायोलॉजिकल इंडस्ट्री, इन केमिकल इंडस्ट्री, इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। आप हर किसी फील्ड में इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो, इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने यही क्लियर किया इंपॉर्टेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। नोट करो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। गो क्लियर रिडॉक्स रिएक्शन क्या पढ़ने एमी इंपॉर्टेंस है क्या आपको पता होना चाहिए इतना है। चलो बेटा लेट अस स्टार्ट, उससे बेटा छुके रिडॉक्स रिएक्शन नाम से पता चलता है ये पढ़ने जो होता है ची रिडक्शन, इट इज रिडक्शन, आर ई डी स्टैंड फॉर रिडक्शन, ठीक है बेटा। ओ एक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, बेसिकली ची रिडॉक्स रिएक्शन सर रिएक्शन ऑक्सीडेशन तो रिडक्शन गैसी साइमल्टेनियसली दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उस रिएक्शन का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। यही मतलब वो अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन छू मुझे सबसे पहले आना चाहिए व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। टॉपिक का नाम पहले डालो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, गुणा पढ़ो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसका रिवर्स होता है रिडक्शन रिएक्शन, क्लियर। फिर जिस रिएक्शन में ये दोनों साथ एक साथ होंगे कुनी रिएक्शन मज गए दोनों इक्वल टाइम, उस रिएक्शन का नाम पड़ता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कोई अलग रिएक्शन नहीं है, इसमें बेसिकली होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली, इतना याद रखना है सर। रिएक्शन यथ ऑक्सीडेशन तो रिडक्शन कैसे इक्वल साइड बाय साइड साथ साथ दोनों रिएक्शन होंगी, उस रिएक्शन का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन।
पहले टॉपिक का नाम डालो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लिखो बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेवंथ मजी पगा यो व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। आपको यही क्वेश्चन कल मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। देख बेटा व्हाट इज ऑक्सीडेशन, पहले लिखो डेफिनेशन, इस लिखो गणित ओल्ड कंसेप्ट, फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट विच इज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर रूल। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ओल्ड कंसेप्ट। वन वॉस यून एटमोसफेयर मोस्ट 21% ऑक्सीजन, मैक्सिमम एलिमेंट से रिएक्ट करना कस ऑक्सीजन से बना ऑक्साइड एंड दे एग्जिस्ट इन स्टेबल फॉर्म। आयरन एग्जिस्ट एज आयरन ऑक्साइड, जिंक आसान जिंक ऑक्साइड, कॉपर एज कॉपर ऑक्साइड, ठीक है इतने पे वारे, सल्फर एज सल्फर ऑक्साइड, बहुत सारे एलिमेंट्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, बिकॉज ऑक्सीजन इज फ्रीली अवेलेबल, ठीक है तथा रिएक्शन वन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो सर बेटा क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी एलिमेंट को हम ऐड करते हैं ऑक्सीजन, उस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन। ओब्लिक लिखो, इट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। जब हम किसी स्पीशीज को ऐड करते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, ये करो एड एस इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन क्लोरीन सल्फर, उस रिएक्शन का भी नाम है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यह है फर्स्ट डेफिनेशन, और ओ आर आर ऐसे देखो, इट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर चेक करो नेबर क्या हाइड्रोजन, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अगर आपने इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव किया, या आपने रिमूव किया हाइड्रोजन को, उस रिएक्शन का भी नाम है ऑक्सीडेशन। सबसे पहले आप ये लिखो व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज इट इज डेफिनेशन, नोट करो, क्लियर, ये नोट करो पहले, समझ आवा। अब हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स आपको शो करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा ये डेफिनेशन है क्या। देख बेटा एग्जाम्पल वन लिखो, एग्जाम्पल फर्स्ट, एस निश मैग्नीशियम सॉलिड, इट इज सॉलिड, इसको मैंने ऐड किया O2, इट इज गैस, वहां से बेटा क्या बनाई, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सॉलिड है, इट विल बी टू टाइम, बैलेंस आप खुद करो, इट इज टू टाइम। उसे बेटा मैग्नीशियम को मैंने ऐड किया ऑक्सीजन, इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन, क्लियर। सेकंड एग्जांपल लिखो, हमारे पास है सल्फर सॉलिड है, इसको ऐड कर दो O2, वहां से बेटा क्या बनाई, O2 इज ए गैस, वहां से बेटा क्या बनाई, इट विल फॉर्म SO2, SO2 इज ए गैस, ये गुना ऐड ऑक्सीजन, देयरफॉर इट इज अगेन ऑक्सीडेशन। को यम जिस बेसिकली एग्जांपल कैमिश एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब आपने ऑक्सीजन ऐड किया इट इज ऑक्सीडेशन। थर्ड पे आ जाओ, अगर बेटा से मोने इट इज मीथेन, इट इज CH4, मीथेन इज ए गैस, इट इज इन गैस फॉर्म, इसको ऐड कर दो O2, वहां से बेटा क्या कहते हमें मिलेगा CO2, CO2 इज ए गैस, और हमें मिलेगा वाटर हम ऑब्टेन करेंगे इन लिक्विड फॉर्म, अगर टेम्परेचर वारे हाई शुड देन वाटर विल बी इन वेपर फॉर्म। चलो फिलहाल लिखेंगे वाटर इन लिक्विड फॉर्म, ऑक्सीजन इज गैस फॉर्म। वन सा बेटा रिएक्शन का बैलेंस, कार्बन चाह हाइड्रोजन चोर है, हाइड्रोजन दो है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है बेटा। वो समय यहां पर आपने क्या किया, ये गो हाइड्रोजन हटो कार्बन हटो हाइड्रोजन, ये रिमूव हो गया हाइड्रोजन, कार्बन के साथ आ गया ऑक्सीजन। हम ये भी कह सकते हैं या तो ऑक्सीजन ऐड या वो हाइड्रोजन रिमूव, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, इसका मतलब यहां पर रिमूव हो गया। ऐसे आ जाओ फोर्थ एग्जांपल पे आ जाओ, अगर मैं लिखे H2S सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, अत को मैं ऐड O2, क्या करूं मैं ऐड O2 गैस, वहां से बेटा क्या बनाइए,
ये बनाएगा वाटर, बनाए ना H2O लिक्विड, देखिए भाई, और हमें मिलेगा सल्फर, सल्फर विल बी इन द सॉलिड फॉर्म। रेशन को बैलेंस कर दो, कितना है, इट इज टू टाइम्स, ठीक है, चार हो गया, ये चार, ठीक, ये बैलेंस हो गया, सल्फर इज टू टाइम सल्फर, ठीक, ये हमें मिला। वो ये रिएक्शन मस्ट गो हाइड्रोजन रिमूव, इसमें भी हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसका मतलब है जो ये दो पार्ट्स है, इट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये किसका एग्जांपल है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का हिम्स रिएक्शन, रिमूवल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाज दीज टू एग्जांपल्स, ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नोट करो, ये गो बेटा क्लियर, सल्फर चासन हमेशा का फॉर्म सॉलिड, याद रखना। दिस वाज द फोर्थ एग्जांपल, एग्जांपल नंबर फिफ्थ पे आ जाओ, यम साहब ऐड कर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो भी लिखो। फिफ्थ एग्जांपल विल बी दिस, मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज सॉलिड, इसको मैंने ऐड किया फ्लोरीन F2, वहां से बेटा क्या बनाइए, इट विल फॉर्म MgF2, मैग्नीशियम डाइफ्लोराइड, क्लियर, ये है सॉल्ट, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है मैग्नीशियम, इसको मैंने ऐड किया Cl2, वहां से बेटा क्या बनाई, इट विल फॉर्म MgCl2, मीनिंग टू मैग्नीशियम, मैंने इसको ऐड किया सल्फर, क्या बनाई, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम सल्फाइड MgS, क्लियर, मैग्नीशियम इज सॉलिड, ठीक है, नोट करो। मैंने यहां पर ऐड किया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब मैं यूथ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चूज ऐड करूं या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐड करूं, इस रिएक्शन का भी नाम है ऑक्सीडेशन, इट इज एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नोट करो। क्लियर हुआ, ये आपको पता है फिजिकल स्टेट, आप खुद लिखोगे F2 इज ए गैस, Cl2 इज ए गैस, सल्फर इज सॉलिड, वो आपको पता है, ये साल्ट्स है, ये सभी सॉलिड्स हैं, क्लियर, और मैग्नीशियम सॉलिड है, नोट करो, इगो क्लियर। लास्ट में आ जाओ, एग्जांपल नंबर 6, अगर चुप होने मिनिस्ट्री K4FeCN6, यहां पर ऑक्सीजन स्टेट आयरन का है 2+, अभी याद रखो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आगे मैं सिखाऊंगा, ये 2+2, इसका नाम है फेरस, ये क्या होता है, इट इज फेरस। अगर मैं ट्रीट कर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, वहां से बेटा क्या गैस, यहां पर मुझे मिलता है K3, याद रखना K3FeCN6, याद रखना, यहां पर ऑक्सीजन स्टेट आयरन का आता है 3+, इसका मतलब यह बन गया फेरिक, ये बन गया क्या, फेरिक, प्लस हमें मिलेगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज टू टाइम रिएक्शन के बैलेंस, ठीक है बेटा। बताओ इस रिएक्शन में क्या हुआ, ये सोलना जैसे 4 पोटेशियम सोए, यहां पर सिर्फ 3 पोटेशियम है, इसका मतलब है यहां से इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भाग गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज अगेन नोन एज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है जो मैंने ये एग्जाम्पल शो की, दिस एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, कौन रिमूव हो गया, पोटेशियम, नोट करो। गो यम शेथाइमिया एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, नोट करो, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मैंने चारों डेफिनेशनों के एग्जांपल्स आपको शो किए, नोट करो, इंपॉर्टेंट है, यू गो क्लियर, ठीक है बेटा। आ जाओ अब सेकंड केस पे, उसका नाम है
रिडक्शन। सेकंड केस क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। लिखो बेटा रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन गया क्लियर, अब आओ किस पे? रिडक्शन रिएक्शन। ये अपोजिट है किसका? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, या हम कहेंगे इट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। थ्री इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट को रिमूव, द रिएक्शन इज रिडक्शन। ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं? इट इज एडिशन ऑफ, ये ऑक्सीजन का रिवर्स है, इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमेशा याद रखना जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। समझ आओ? आखिर देखना एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मैंने आपको सिखाया है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव, वो हमने पढ़ा है। अगर नॉन मेटल ऐड करो दैट इज ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल रिमूव करो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट नॉन मेटल, इट इज रिडक्शन। ऐसी अगर ऐड कर मेटल सोडियम मैग्नीशियम, इट इज रिडक्शन। अगर वो रिमूव कर मेटल्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को मैंने रिमूव किया, इट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स आपको शो करता हूं, नोट करो ये। एग्जांपल्स लिखो, रिडक्शन के एग्जांपल्स लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एग्जांपल लिखो, हमारे पास है मर्करी ऑक्साइड, ये सॉलिड है, इसको मैंने हीट दिया, हीट को हम डिनोट करते हैं ट्रायंगल से। इसमें आपको मैं एक्सप्लेन व्हाई, क्या बनाएगा? मर्करी लिक्विड मिलेगा हमें और यहां पर मिलेगा ऑक्सीजन O2 गैस फॉर्म में। रिएक्शन को बैलेंस कर दो, टू टाइम कर दो। क्लियर? पूछ बेटा इस रिएक्शन में हमने रिमूव किया किसको? ऑक्सीजन को, क्योंकि यहां पर मर्करी है, यहां पर मर्करी ऑक्साइड है HGO, यहां पर ओनली मर्करी। इसका मतलब है इस रिएक्शन में मर्करी ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, ऑक्सीजन रिमूव, देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। क्लियर? सेकंड लिखो, FeCl2, इसको ऐड कर दो हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, बताओ बेटा क्या बनाएगा? बैलेंस कर दो, ये फेरिक क्लोराइड है FeCl3, ये है FeCl3, इसको मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, क्या बनाया? रिएक्शन को बैलेंस कर दो, कितने हैं? टू टाइम कर दो। ठीक है, ये साल्ट है, इसको किस फॉर्म में लोगे? एक्वस फॉर्म में। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस फॉर्म है। साल्ट है, किस फॉर्म में होगा? एक्वस। HCl है, एक्वस फॉर्म में होगा। क्लियर? वन से बेटा यहां पर मैंने क्या किया? मैंने यहां पर हाइड्रोजन को ऐड किया, या मैं ये भी कह सकता हूं मैंने यहां पर एक क्लोरीन को रिमूव किया, गुना क्लोरीन रिमूव। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पर हाइड्रोजन ऐड, इट इज एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, नोट करो। थर्ड एग्जांपल पे आ जाओ, ये हुआ सेकंड, थर्ड एग्जांपल आ जाओ, आपको याद रखना है। ये रिएक्शन हमें मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है इथेन। इथेन कर एड हाइड्रोजन, यहां पर मुझे मिलेगा एल्कीन, दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका नाम है एल्कीन, इसका नाम है एल्कीन। इस रिएक्शन का नाम है रिडक्शन रिएक्शन। यहां पर हम जनरली यूज करते हैं निकल, रिनी निकल, ये रिएक्शन, इसका नाम है सेबिटियर सैंडरसन रिडक्शन। यहां पर दोनों हाइड्रोजन ऐड होंगे,
यह तिगस आखिर पाई बाण यहां पर ब्रेक होगा, एक पाई बाण ब्रेक होगा, दो सिग्मा बाण्ड्स बनेंगे, हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन चेंजेस काम, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये भी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अब ये कन्वर्ट होगा sp3 और sp3 में, इस रिएक्शन का नाम है रिडक्शन रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिखाऊंगा। सिंपली था फिलहाल याद, ये तो इसको हाइड्रोजन ही मींस एड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। एग्जांपल नंबर थर्ड नोट करो, एग्जांपल चार पे आ जाओ, त्रगया क्लियर। एग्जांपल नंबर फोर्थ लिखो बेटा, इट इज HgCl2 प्लस SnCl2, वहां से बेटा क्या बनाई, ये बनाए HgCl2 प्लस SnCl4, याद रखना ये है एक्वस फॉर्म में, इसका नाम है कोरोसिव मर्करी क्लोराइड, इसमें मर्करी की ऑक्सीजन स्टेट होता है +2, ये चार्ज मर्करी ऑक्सीजन स्टेट +1, इसका नाम है कैलामल, इसको हम यूज करते हैं इन इलेक्ट्रोड्स टू मेक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, अगले साल पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, श्लेगन का बनाने खतर इलेक्ट्रोड बनाने खतर, ये होता है एक्वस, ये होता है सॉलिड और ये होता है एक्वस। पूछता बेटा इसको देखो, पहले रिएक्शन को बैलेंस कर दो जो टू टाइम, ठीक है हो गया रिएक्शन बैलेंस। उससे बेटा है ये नजर से, यहां पर ए मर्करी है, मर्करी इज ए मेटल, इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इसको देखो ये इतना मर्करी एड गुमती हो, इस रिएक्शन में एड हुआ कौन, मर्करी, इसका मतलब है इट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यूथी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट गेट्स एड, वो क्या है यहां पर मर्करी, देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, कोई इच्छे रिडक्शन रिएक्शन, बिकॉज इन दिस रिएक्शन मर्करी इज एडेड, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज एडेड। क्लियर हुआ, नोट करो, ठीक है। पूछता बेटा मैं मास्टर क्या, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर जब आई ये स्पीसीज गई यथ रिडक्शन, रिडक्शन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, यहां पर 10 क्लोराइड है, यू मुझे नजर, यहां पर 2 क्लोराइड है, क्लोराइड इज इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, यह मुझे नजर, यहां पर कितने क्लोराइड है, 4, इसका मतलब है इस रिएक्शन में क्लोराइड एड हुआ है, इसका मतलब है एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, इस पर एडिशन जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इट इज रिडक्शन, इसी पर जो एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। गो यह रिएक्शन मस गमुस छु दोनवई चीज, यह चिकु मस रिडक्शन दे तो ऑक्सीडेशन दे, आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में एसिड्स लूज प्रोटॉन्स व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय बेसेस, वो एसिड्स तो बेस साइड बाय साइड पकन, ऐसे ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइड बाय साइड चलता है, कोई एसिड स्ट्रांग होता है कोई एसिड वीक होता है, कोई बेस स्ट्रांग होता है कोई बेस वीक होता है, ऐसे ही कोई एलिमेंट जल्दी देगा क्लोराइड को या जल्दी एक्सेप्ट कर देगा क्लोराइड को, या जल्दी देगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को या जल्दी एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को, वो ये थे करंट इज डिसाइड इज अ स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट किन वीक रिड्यूसिंग एजेंट, इज अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे हमारे पास होता है स्ट्रांग एसिड्स एंड स्ट्रांग बेसिस, इट्स बराबर इसी पॉइंट। उससे बेटा मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, को यह रिएक्शन में गई रिडक्शन थे तो ऑक्सीडेशन थे साइमल्टेनियसली, अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे बनाना ये, इसको देखो, देख बेटा जैसे रिएक्शन नंबर टू, रिएक्शन नंबर टू को देखो, वहां पर हमने देखा हमारे पास था FeCl3, वहां से कस क्लोरिन, यहां पर 3 थे अब यहां पर कितने हैं 2, इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट को लॉस किया है, इसका मतलब है इसको हो गया रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। अब देख हाइड्रोजन को, यूज हाइड्रोजन मगर यहां पर बन गया HCl, आठ क्लोरिन एड, इसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एड हुआ है, इसका मतलब है इसको हो गया ऑक्सीडेशन। साइंटिस्ट वोन दुबके यम चम रिएक्शन, ये कसा रिडक्शन थे तो ऑक्सीडेशन थे, हर कहीं गई रिडक्शन थे तो ऑक्सीडेशन थे, साइंटिस्ट ने कहा इन रिएक्शन के लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया,
उस टर्म का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। नीचे लिखो, इन दीज रिएक्शंस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑकर साइमल्टेनियसली। इन दीज रिएक्शंस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑकर साइमल्टेनियसली। देयरफॉर साइंटिस्ट्स कॉइन्ड टर्म रिडॉक्स फॉर दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस। देयरफॉर साइंटिस्ट्स कॉइन्ड COINED coined the term redox reaction for these types of reactions. समझ आवा? यम नहीं रिएक्शन खतर कोर यूज टर्म रिडॉक्स रिएक्शन। नोट करो, अब हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन उससे पहले आप एक क्वेश्चन करो। लिखो क्वेश्चन, identify which species is undergoing oxidation and which species is undergoing reduction. ژےٚ چھُے وَنُن کٔمِس گٔے آکسِڈیشن تہٕ کٔمِس گٔے رِڈکشن. یہ ہمارا کوسچن فرسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ پارٹ ون لکھو، ہمارے پاس ہے ایچ ٹو ایس، ٹھیک ہے؟ اس کو میں نے ریئیکٹ کیا سی ایل ٹو کے ساتھ، کیا بنایا؟ اس نے بنایا ایچ سی ایل، اور ہمیں ملا سلفر، سلفر سالڈ فارم میں ہوگا، اس کو لکھو ایچ سی ایل گیس، इसको लिखो गैसियस फॉर्म, H2S लिखो गैस। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड लिखो Fe2O3, इसको मैंने ऐड किया अल्मोनियम, दिस इज अल्मिनो थर्माइट प्रोसेस। ये क्या बनाए? यहां पर है मिलेगा Al2O3 और यहां पर बाहर निकलेगा आयरन, ठीक है? मैं इसको ऐसे लिखूंगा अल्मोनियम टू टाइम और यहां पर आयरन टू टाइम, ये मैंने रिएक्शन लिखा, ठीक है? थर्ड इसी पे आ जाओ, यहां पर है सोडियम, इसको मैंने ऐड किया H2 गैस। मान सा बेटा क्या बनाई? सोडियम हाइड्रेट बनाएगा, ठीक है? टू टाइम्स इट इज गैसियस फॉर्म, सोडियम हाइड्रेट इज ए सॉलिड, याद रखना। अल्मोनियम ऑक्साइड इज ए सॉलिड, अल्मोनियम इज ए सॉलिड, फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड, ठीक है? अल्मोनियम थर्माइट प्रोसेस, सोडियम से सॉलिड, ठीक है? बताओ बेटा कौन एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट, कौन एक्ट करता है, किसको होता है ऑक्सीडेशन, किसको होता है रिडक्शन? जल्दी करो, पूछा बेटा बहुत आसान है। चशीवशुन जो मैंने आपको सिखाया है, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। एक याद रखो, दूसरा खुद खुद याद रहेगा। था नजर कौन? यहां पर है H2S, यहां पर है सल्फर, इसका मतलब है यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। गो रिमूव, जब हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, इसको हो गया ऑक्सीडेशन। समझाओ, क्लोरिन है, क्लोरिन को एड हुआ हाइड्रोजन, क्लोरिन को एड हुआ हाइड्रोजन, इसका मतलब इसको क्या हो गया? इसको हो गया रिडक्शन। क्लियर? अब बोला एड हाइड्रोजन इवन HCl, इस पे आ जाओ। यहां अल्मोनियम है, अल्मोनियम ये अकेला, इसको एड हो गया कौन? ऑक्सीजन। अल्मोनियम को एड हो गया ऑक्सीजन, बन गया अल्मोनियम ऑक्साइड, इसका मतलब है इसको हो गया ऑक्सीडेशन। रिमूव हो गया आयरन से, रिमूव हो गया O2, O2 इज रिमूव्ड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अभी मैंने सिखाया ये रिडक्शन। ये थर्ड एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप गलती करोगे। पूछ बेटा, जब आप सोची सोडियम उसको एड हाइड्रोजन, आप इसको लिखोगे यद गई रिडक्शन।
लेकिन गलत ही किया आपने। यहां पर हमें दूसरा कॉन्सेप्ट देखना है, यहां पर सोडियम ऑलवेज लूजेस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गेन्स इलेक्ट्रॉन। अगर आपने कहा सोडियम ने हाइड्रोजन सोडियम को हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसको हो गया रिडक्शन, बेसिकली सोडियम को हो गया यहां पर ऑक्सीडेशन। यही वजह है जो तैयार पढ़ना, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट वाज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करेंगे तो हमें ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट ने कहा हमें रिडॉक्स रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को पढ़ना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। वही हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ना तो वहीं एडिशन बोला हाइड्रोजन, आप कहोगे सोडियम को हो गया रिडक्शन, लेकिन गलत है, सोडियम को हो गया ऑक्सीडेशन। यही है लिमिटेशन ऑफ दीज टर्म्स, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया तथा यह लिमिटेशन। उसने कहा यहां पर गलती हो गई इस रिएक्शन में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, नोट करो। लिखो पहले डेफिनेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, मैं क्या बोलता ना, इसमें दो टर्म्स है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। लिखो दोज रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑकर साइमल्टेनियसली, दोज रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑकर साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस, आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। ये मैं वहीं साथ एग्जांपल हाई, तुम जनरली सारे कम रिडॉक्स रिएक्शंस। एग्जांपल आप लिख सकते हो जो मैंने अभी तक आपको शो किए, वो सभी रिएक्शंस है क्या रिडॉक्स रिएक्शन। याद रखना वायर देयर इज रिडक्शन देयर विल बी ऑक्सीडेशन, वायर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर विल बी रिडक्शन। ये वही कंसेप्ट है, जहां कोई स्पीशीज एसिड होगा तो वहां पर बेस मिलेगा, जहां पर बेस हमें मिलेगा वहां पर जरूरी एसिड भी होगा, ठीक है। इट्स सुई कॉन्सेप्ट, नोट करो। दीज रिएक्शन आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। टॉपिक का नाम लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, रिडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। यही है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, वो सब बेटा इसके पढ़ाओ। देख बेटा, हमारे पास है एलिमेंट्स, हमारे पास है सोडियम, इसको मैंने ऐड किया क्लोरीन गैस। देख बेटा हम कैसे करेंगे इसको एक्सप्लेन, ये क्या बनाए, ये बनाए NaCl इज अ सॉलिड। अगर हमारे पास है सोडियम, इसको मैंने ऐड किया F2, वहां से बेटा क्या बनाई, इट विल फॉर्म सोडियम फ्लोराइड NaF। अगर हमारे पास है सोडियम, इसको मैंने ऐड किया सल्फर, क्या बनाई Na2S। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ठीक है। सल्फर इज ए सॉलिड, F2 इज ए गैस, सोडियम इज ए सॉलिड। देख बेटा क्लियर कॉन्सेप्ट, मैंने यहां पर तीन स्पीसीज बनाए NaCl, सोडियम फ्लोराइड एंड Na2S, ऑल ऑफ दीज आर आयनिक कंपाउंड्स। क्या आयनिक कंपाउंड्स, आपको पता है यूस आयनिक कंपाउंड आसन छु, इसमें होता है चार्जेस, इट हैज चार्जेस। इसका मतलब है NaCl का एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा Na+1 Cl-1, यह पे डस चार्ज, इस पे होगा सोडियम पे Na+, फ्लोरीन पे -1, यहां पर होगा। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसको ब्रैकेट में शो करो,
इट इज प्लस वन डायलिटी, इट इज प्लस टू ना, सल्फर पे आएगा माइनस टू, क्लियर। इसका मतलब है यू सी प्रोडक्ट बनो दैट मीन्स ये पान रिएक्ट गई यमो या गेन कोरमुत इलेक्ट्रॉन या लॉस कोरमुत इलेक्ट्रॉन तेली खोद ना ये चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंस दीज प्रोडक्ट्स आर आयनिक इन नेचर दे हैव चार्जेस। चार्ज गो डेवलप व्हेन रिएक्शन ऑकर्स गो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन देयर इज आइदर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए लेस साइंटिस्टो यम रिएक्शन त्रे इन डिफरेंट फॉर्म उन्होंने ऐसे लिखा, देखो बेटा कैसे लिखा, ये हो क्लियर। उन्होंने लिखा फोसिनेशन को जो इससे सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो रिएक्शन है इसको इन्होंने ऐसे शो किया, इट इज एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव, याद रखना ऐसे ये मोल इसलिए इस पर देखो सोडियम और तेलगम काम जब सोडियम यहां से यहां चला गया यहां पर दो थे हाउ मेनी सोडियम आर दे आर टू रिलेशनशिप बैलेंस करेंगे यहां पर भी दो होगा यहां पर भी दो होगा उस बेटा आई मतलब गई ये सोडियम यु यह सोडियम ये कन्वर्ट गो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट टू मैं लिखूंगा लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए जब सोडियम कन्वर्ट हुआ एन ए पॉजिटिव में यु कन्वर्ट कत मज गो एन ए पॉजिटिव इट इज लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। लिखो बेटा सबसे पहले यही यु यह कन्वर्ट गो ये देर लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। अब देख क्लोरीन कन्वर्ट गो क्लोरीन माइनस वन दोन क्लोरीन कूत माइनस टू इसका मतलब है गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इन दिस रिएक्शन क्लियर। गो गॉडनिश रिएक्शन इसमें इस पर लिखो दूसरे को सेकंड रिएक्शन को ले आओ कुछ पेट इट इज सोडियम प्लस एफ टू वन सा बेटा क्या तेरी इट इज एन ए एफ एफ पस नेगेटिव चार्ज सोडियम प्लस चार्ज इट इज टू टाइम बताओ जब सोडियम कन्वर्ट होगा एन ए पॉजिटिव में ये दो सोडियम है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इन दिस रिएक्शन टू इसका मतलब है लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स याद रखना। आ जाओ लास्ट में यस लास्ट रिएक्शन देख बेटा कैसे हम लिखेंगे ये गई काम तेल तक सोडियम गुम कन्वर्ट इत पे एन ए पॉजिटिव मज दोन सोडियम जो प्लस चार्ज दैट मीनस ये गमित ये रिएक्शन मज लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। इस वाले रिएक्शन में बताओ क्या हुआ इसमें गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन हुआ गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिखा साइंटिस्टों ने इन तीन रिएक्शंस को नोट करो पहले ये तीन रिएक्शंस आ सर बेटा जल्दी इसको नोट करो इंपॉर्टेंट है लिखता बेटा ये इंपॉर्टेंट है वो सदी इसका मतलब है जस्ट यस ये रिएक्शन इट इज मेड ऑफ टू हाफ रिएक्शंस यस ये अख रिएक्शन इसका हम कहते हैं इसमें क्या हुआ ऑक्सीडेशन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और जो ये रिएक्शन है इसको हम कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन ठीक है। जब हम दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है फाइनल रिएक्शन इतने पे अगर दोयमी रिएक्शन नजर दू अत रिएक्शन हेरमिस पे नाव है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन शार्टस मज लेखन ओ एच आर नीचे वाले रिएक्शन का नाम पड़ेगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्लियर। त्रेमी से नजर इसका मतलब है ऊपर वाली क्या है इट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन नीचे वाली क्या है इट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन समझ आओ ये है रिडॉक्स रिएक्शन मॉडर्न डेफिनेशन यही है सर रिएक्शन यथ मज दोनव रिएक्शन गसन ऑक्सीडेशन तथा मज ग रिडक्शन तक यह हमेशा बनम बाय कंबाइनिंग टू हाफ रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को कंबाइन करो किसके साथ रिडक्शन हाफ रिएक्शन के साथ हमें मिलेगा रिडॉक्स रिएक्शन एक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दूसरे में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अब याद रखना है
वो ये है यूस ये एलिमेंट सोडियम इतना इसने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया यूस नफर इलेक्ट्रॉन लॉस कर इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना इसको कहते हैं रिड्यूसिंग इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का एक और नाम होता है रिडक्टेंट रिडक्टेंट और जो ये एलिमेंट है क्लोरीन जिसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका एक और नाम क्या है ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट ये इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देयर आर टू स्पीसीज एक का नाम है रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को एक और नाम क्या है उसका रिडक्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक और नाम क्या है ऑक्सीडेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इज दैट स्पीसीज विच लूजेस इलेक्ट्रॉन जिसको होगा ऑक्सीडेशन ये गैलियम। रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा गलत। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दैट स्पीसीज विच गेन्स इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है इसका मतलब है इसको हो जाएगा रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगोज रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन ये उल्टा होता है उल्टा हमेशा याद था ये आप नोट करो हम थोड़ा कुछ पॉइंट यहां पर लिखेंगे। आईसी ये क्या होगा सोडियम विल बी इट विल बी आर ए रिड्यूसिंग एजेंट फ्लोरिन विल बी ओ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट सल्फर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो और रिड्यूसिंग एजेंट हो उसी रिएक्शन को हम कहते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन नोट करो इंपॉर्टेंट है। समझ आवा दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। लिखो बेटा कुछ टर्म्स लिखो टर्म्स लिखो यहां पर फर्स्ट टर्म लिखो ऑक्सीडेशन इट इज मॉडर्न टर्म ऑक्सीडेशन इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो रिएक्शन वन चेस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी आपने देखा ऑक्सीडेशन हाफ से तथ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अभी मैंने लिखा इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट एक लॉस हो सकता है दो लॉस हो सकते हैं तीन चार डिपेंडिंग ऑन कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए बेसिकली याद था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन लिखो इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखना। अभी हमने देखा रिडक्शन हाफ रिएक्शन उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हुए यमो खातिर ट्रिक याद था एक टर्म याद रखो गर्लियो हमेशा खातिर याद था गर्लियो गर्लियो स्टैंड्स फॉर जी स्टैंड्स फॉर गेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आर स्टैंड्स फॉर रिडक्शन समझ आओ एल मीन्स लॉस ऑफ ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन आप इतना याद रखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन अभी लिखा हमने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन कर लियो टर्म से याद था नोट करो। थर्ड टर्म लिखो रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट ये भी इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग एजेंट इसका एक और नाम क्या है रिडक्टेंट ये भी एंट्रेंस में आता है व्हाट इज रिडक्टेंट देखो दैट स्पीसीज विच अंडरगो ऑक्सीडेशन ये वो स्पीसीज होता है जिसको होता है ऑक्सीडेशन ब्रैकेट में लिखना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मीन्स नाफ्रस इलेक्ट्रॉन के लॉस वही स्पीसीज कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट ये एजेंट है ट्रैवलिंग एजेंट आ समझो ये एजेंट है कौन सा एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट ये रिड्यूसिंग रिड्यूस करता है सपोज स्पीसीज
मैं हूं रिड्यूसिंग एजेंट, मैं इसको दे दूंगा. सून फादर और पेरेंट्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, वो हमें पैसे देते हैं, वो लॉस करते हैं मनी को. इसका मतलब अवर पेरेंट्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो हमें रिड्यूस करते हैं, वो हमें पैसा देते हैं. वही कंसेप्ट यहां पर है. व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम पोसे हैं मलिस. इसका एक और नाम क्या है? ऑक्सीडेंट. ऑक्सीडेंट लिखो बेटा, क्या है ये? दैट स्पीसीज, दैट लिखो, दैट स्पीसीज विच अंडरगो रिडक्शन, ये मीन्स फायदी, विच अंडरगो रिडक्शन, ब्रैकेट में लिखना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यूस नफर इलेक्ट्रॉन गेन कर, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जैसा नाम उल्टा काम. नाव क्या चीज? ऑक्सीडाइजिंग बासम जो ऑक्सीडेशन पर होता क्या इसको रिडक्शन. आप ऐसे याद रखो, जैसा नाम, जैसा नाम उल्टा काम, जैसा नाम उल्टा काम. अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो बासम शो अगर ऑक्सीडेशन ना, इसको होगा रिडक्शन. क्योंकि ये क्या करता है? ये दूसरे को नुकसान करता है, ये वहां से इलेक्ट्रॉन लाता है. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. आप इतना याद रखो, जैसा नाम उल्टा काम. रिड्यूसिंग एजेंट दिख रहा है, इसको हो जाएगा रिडक्शन. नहीं, इसको हो जाएगा ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दिख रहा है, इसको हो जाएगा ऑक्सीडेशन. नहीं, इसको गेन होगा, ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट लूज इलेक्ट्रॉन. क्लियर? आप ऐसे अब याद रखो. फाइनली एक्चुअली ट्रिक कर लियो, कर लियो. हमने भी ट्रिक लिखा, जो स्पीसीज ये शो करेगा ये कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. कहानी खत्म. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, आपको पता है इट इज रिडक्शन. ये स्पीसीज रिडक्शन कैसे? उस स्पीसीज का नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. जिस स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया उसका नाम है रिड्यूसिंग एजेंट. प्रोसेस से वन इज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन. यस स्पीसीज यस सबस्टेंसेस ये गैसेस सुच या ऑक्सीडेशन एजेंट या चु रिड्यूसिंग एजेंट. अगर तक गेन ते इलेक्ट्रॉन को तेल चु उसमें ऑक्सीडेशन एजेंट, अगर तेम स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लॉस तेल चु उसमें सब स्पीसीज रिड्यूसिंग एजेंट. नोट करो, इंपॉर्टेंट है. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. नोट करो, इंपॉर्टेंट है. अब टॉपिक का नाम लिखो. वो है मसला, कैंह स्पीसीज चे इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करन, कैंह स्पीसीज चे इलेक्ट्रॉन्स वार वार लॉस करन. ऐसे ही कुछ स्पीसीज जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और कुछ स्पीसीज आहिस्ता से इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं. कोई स्पीसीज स्ट्रांग आर ए होगा, कोई स्पीसीज स्ट्रांग ओ ए होगा, कोई स्पीसीज वीक आर ए होगा, कोई स्पीसीज वीक ओ ए होगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही स्ट्रांग थे वीक थे, रिड्यूसिंग एजेंट ही कैसे स्ट्रांग थे वीक. उसके लिए हम यहां पर एक रिएक्शन शो कर रहे हैं. लिखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑर्डर. ये हम पढ़ेंगे इन डिटेल ट्वेल्थ में, लेकिन थोड़ा यहां पर एक्सप्लेन करेंगे. पूछा बेटा, अगर मैंने स्कूम कर, मैंने यहां पर लिया जिंक रॉड, यह जिंक किसमें? कॉपर सल्फेट में. क्या होगा? कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर. एनसीआरटी बुक को देखना, उसने डायग्राम बनाया है. ठीक है, यहां पर रिएक्शन होगी जिंक प्लस सीयू टू प्लस. याद रखना, यहां पर हमें मिलेगा ऐसे जिंक टू प्लस एंड कॉपर सॉलिड. इसका मतलब ये हुआ, यह सॉल्यूशन में है कॉपर आयन्स. याद रखना, इसमें क्या थी? कॉपर आयन्स, कॉपर आयन्स सीयू प्लस टू. ऐसे में लिखूंगा सीयू प्लस टू. इसका कलर था ब्लू. क्या था? ब्लू. यूथ में एथमस थो जिंक रॉड. यहां पर क्या होगा? जिंक कन्वर्ट होगा जेडन टू प्लस में, और कॉपर आयन्स विल डिपॉजिट. यहां पर कॉपर आयन्स आएंगे रॉड पे. आई मतलब गो, ये ब्लू कलर खत्म. यहां पर ब्लू कलर अब नहीं रहेगा, क्योंकि कॉपर आयन्स विल गेट डिपॉजिटेड.
अगर मैं रिवर्स कर, अगर मैं रिवर्स करूं, अब याद रखना मैंने ऐसे किया, वहीं कर भी कौन बताया ना, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इज जिंक सल्फेट, इसका मतलब है यहां पर कौन आयन है सारण प्लस टू, इसमें मैंने डाला कौन सी राड, अब मैंने इसे डिप किया कॉपर राड को, कहते हैं ये रिएक्शन नहीं होती है, यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, रिवर्स रिएक्शन नहीं होता है। इसका मतलब है जिंक गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू कॉपर, कॉपर डज नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू जिंक, इसका मतलब है जिंक किसको इलेक्ट्रॉन देता है, कॉपर को। क्लियर? तीसरी रिएक्शन पे आ जाओ, ये इतना स्थान है नो स्पीसीज, इट इज सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, यहां पर कौन आयन होगी सिल्वर, इसमें मैंने डिप किया कॉपर राड को, किसको कॉपर राड को, वहां से बेटा क्या गाइस यहां पर ऐसे होगा, कॉपर सॉलिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, सिल्वर के साथ, क्या बनाएगा Cu2+, इट इज 2 times Ag, याद रखना टाइमिंग मतलब को, ये कॉपर गैस कन्वर्ट इनटू कॉपर 2+ और यहां पर ब्लू कलर आएगा, ये चमके वाई है, पहले कोई कलर नहीं है, जैसे रिएक्शन होगा ऐसा कलर क्या है ब्लू, यहां पर रिएक्टेंट था ब्लू, जैसे रिएक्शन हो गई ये बन गया कलरलेस, कलरलेस, लेकिन यहां पहले कोई कलर नहीं है, इट इज कलरलेस, मगर फिर रिएक्शन गई इट बिकम्स कलर्ड, मगर यहां पर अगर मैं रिवर्स करूंगा ये रिएक्शन होगा, बजकर रिवर्स, अब मैंने यहां पर काम किया, मैंने ये रखा यहां पर कॉपर सल्फेट, इसमें मैंने ऐड किया किसको सिल्वर राड को, सिल्वर राड को Ag, रिवर्स रिएक्शन नहीं होता है, इसका मतलब है कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको सिल्वर को, कॉपर हैज गिवन इलेक्ट्रॉन टू सिल्वर, इंपॉर्टेंट ऑर्डर, इसका मतलब है सबसे जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जिंक, उसके बाद कौन करेगा लॉस कॉपर, उसके बाद सिल्वर, यहां पर हमें बना एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एलिमेंट और एक्टिविटी सीरीज, जो एलिमेंट जल्दी लॉस इलेक्ट्रॉन करेगा, जिंक ने किया लॉस किसको कॉपर को, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया सिल्वर को, रिवर्स में नहीं होता है, इस सीरीज का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये हम पढ़ेंगे अगले साल, रिवर्स रिलेशनशिप गास नहीं, इसलिए दिस सीरीज इज नोन एज एक्टिविटी सीरीज, ये याद रखना इट इज एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज मतलब कौन एलिमेंट किस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स देगा, नोट करो ये एग्जांपल्स। गो बेटा क्लियर? जब मैंने जिंक राड को डिप किया किसने कॉपर सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तब ऐसा हुआ ब्लू कलर खत्म हुआ, लेकिन अगर मैंने रिवर्स किया कॉपर राड को डिप किया किसमें जिंक सल्फेट में, वहां पर रिएक्शन नहीं हुई, ऐसे ही जैसे मैंने कॉपर राड को सिल्वर नाइट्रेट में डिप किया यहां पर ब्लू कलर इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ, अगर रिवर्स कर मैंने सिल्वर राड को डिप किया किसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, यहां पर रिएक्शन नहीं हुई, समझ आओ, इसका मतलब ये हुआ जिंक गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू कॉपर, कॉपर गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्वर, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दिया सिल्वर को, रिवर्स में नहीं होता है, सिल्वर डज नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू कॉपर, कॉपर डज नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू सिल्वर, ये एक सीरीज बन गया एलिमेंट इसका, इसका नाम है एक्टिविटी सीरीज। लेकिन अब थर्ड एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, गुस्सा बेटा हूं किस पे, अगर हम यहां पर काम करेंगे, हमने यहां पर लिया, हमने यहां पर लिया निकल, निकल राड को मैंने डिप किया निकल राड को मैं कोबाल्ट सल्फेट समझ किसमें कोबाल्ट सल्फेट में, ठीक है इस कोबाल्ट सल्फेट, इट इज कोबाल्ट सल्फेट, ठीक है CO2SO4 कोबाल्ट सल्फेट, ये क्या किस क्यों निकल रिएक्ट करेगा CO2+ के साथ, हमें मिलेगा Ni2+ एंड कोबाल्ट, अगर हमने अब डिप किया, हमने किसको डिप किया, हमने कोबाल्ट राड को हमने डिप किया किसमें निकल सल्फेट में, निकल सल्फेट सॉल्यूशन में, इसमें हमने डिप किया, अर्थ्योस रिवर्स, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन सा बेटा क्या कहते हैं, यहां पर हमने देखा
यहां पर कोबाल्ट Ni2 प्लस विल कन्वर्ट इनटू Ni एंड CO2 प्लस। इसका मतलब है यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगी और बैकवर्ड रिएक्शन भी होगी। बैक टू शोकर दिस विल बी लाइक दिस रिएक्शन। इसका मतलब है जितना टेंडेंसी कॉपर को इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए है, कॉपर गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निकल, उतनी टेंडेंसी निकल को भी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इसका मतलब है दशमिनी एलिमेंटन से तकरीबन हिशी टेंडेंसी टू गेन एंड लूज इलेक्ट्रॉन्स को केहन एलिमेंटन से आसन इक्वल टेंडेंसी, तकरीबन सिमिलर टेंडेंसी टू गेन आर लूज इलेक्ट्रॉन्स। हर कहीं को निकल इलेक्ट्रॉन लॉस, नीचे निकलने इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसका मतलब है अगर मैं इसको लिखूंगा मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। याद रखना यमिस एकिस ऑक्सीडेशन गई, जैसा नाम उल्टा काम, दिस विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हो गया रिडक्शन, रिवर्स नाम लिखो इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इधर आ जाओ कोबाल्ट को कन्वर्ट इनटू कोबाल्ट प्लस टू, इट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हुए दो। जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस हुए इसका मतलब है इसने एक्ट किया रिड्यूसिंग एजेंट, जैसा नाम उल्टा काम, निकल ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसका मतलब है इट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसका मतलब है निकल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर हम यह कह सकते हैं दशमिनी एलिमेंटन च इक्वल टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे पहले हमने देखा जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू कॉपर, कॉपर लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू जिंक, दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑर्डर फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। अगले साल हम पढ़ाएंगे आपको सीरीज, जिसमें हम रखेंगे जो एलिमेंट सबसे स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो नीचे रखेंगे। हम एक सीरीज बनाएंगे, उसका नाम हम रखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप इतना याद रखो, 11th में नोट करो। ठीक छ, देख बेटा यस ये रिडॉक्स रिएक्शन छ, हमने यहां पर चार्ज शो किया प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू। इस चार्ज का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। रिडॉक्स रिएक्शन को सिंपलीफाई करने के लिए साइंटिस्टों ने नंबर्स दिए, उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। टॉपिक का नाम डालो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। टॉपिक का नाम डालो नेक्स्ट, इट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है। मींस दैट टोल्ड अस व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन एंड व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑर्डर, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैंने आपको ये भी बोला व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी हमने एक्सप्लेन किया। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, फिर हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, फिर हम डिफाइन करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन एजेंट क्या होता है। वही चार टर्म्स हम फिर डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। वो बेटा इसका नाम है नंबर, नंबर मीन्स वन टू थ्री फोर या जीरो, जीरो भी आएगा। इसका मतलब है ये बेसिकली नंबर होता है किसी एटम पे इन ए कंपाउंड। देख बेटा कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। यदना सुमिल वाटर, हमारे पास वाटर है, वाटर है, हम कहते हैं जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम मेन रूल ये यूज करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको बिलोंग करते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ओ के सामने होंगे, इसका मतलब यहां पर आएगा माइनस वन, यहां पर आएगा प्लस वन, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ऐसी यहां पर दो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी इधर आएगा, इसने लॉस किया प्लस वन माइनस वन। अब बताओ इस एटम पे कितना चार्ज आ गया, प्लस वन। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ गया, माइनस टू। एच पे कितना चार्ज आ गया, प्लस वन। जो ये नंबर आया इसी नंबर को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। मैं ये कहूंगा इट इज बेसिकली चार्ज ऑन एटम,
इन ए मॉलिक्यूल. देखो डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज चार्ज ऑन एटम, इट इज चार्ज ऑन एटम इन ए मॉलिक्यूल, इट इज चार्ज ऑन एटम इन ए मॉलिक्यूल, इट इज चार्ज ऑन एटम इन ए मॉलिक्यूल. बसल लेकिन अमोनिया एन एच थ्री, बताओ बेटा कैसे करेंगे हम. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, बताओ कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन. ये इलेक्ट्रॉन का सिकुंड शिफ्ट, इसका मतलब प्लस वन. यहां से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा प्लस वन, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा प्लस वन. इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, थ्री. इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का है प्लस वन, इसका भी है प्लस वन और इस हाइड्रोजन का भी प्लस वन, लेकिन नाइट्रोजन का क्या है माइनस थ्री. वही मैंने लिखा, क्लियर हुआ. देख बेटा ऑक्सीजन नंबर को हम डिनोट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. कभी कभी बुक लिखता है व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट. ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, ये डिनोट करता है ऑक्सीजन नंबर को. क्लियर, ऑक्सीजन स्टेट डिनोट इज ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, आप लिखो लिखो दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स, ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन एन एलिमेंट. ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन एन एलिमेंट. इन ए कंपाउंड लिखो, एलिमेंट नहीं लिखना है. ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड. ऑफ एन एलिमेंट लिखो या एटम लिखो, इन ए कंपाउंड. ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट ओब्लिक एटम इन ए कंपाउंड. क्लियर, ये है ऑक्सीडेशन नंबर. थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, इट कीप्स ट्रैक, इट कीप्स ट्रैक ऑन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन ए कोवेलेंट बॉन्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. ठीक, केमिकल रिएक्शन कैसे, टैग बेन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, उस शिफ्ट को ट्रैक करने के लिए कौन नंबर दिया गया, ऑक्सीडेशन नंबर. इट कीप्स ट्रैक ऑन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन ए कोवेलेंट बॉन्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. फोर्थ पॉइंट लिखो, इट वॉज थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट लिखो, इट इज यूज्ड फॉर बुक कीपिंग, बुक कीपिंग किताब पे लेखने खातिर, बोर्डस पे लेखने खातिर करन चाहिए डिनोट ऑक्सीडेशन नंबर. इट इज यूज्ड फॉर बुक कीपिंग सो दैट स्टेडिया रिडॉक्स रिएक्शन बिकम्स सिंपल. रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने दिया ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट. इट इज बेसिकली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज सिंपली फॉर बुक कीपिंग. इथ पॉइंट रेजोनेंस, लाइक रेजोनेंस विच एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, विच अगेन ओनली पॉसिबल ऑन बोर्ड और पेपर. आई सी ऑक्सीजन नंबर इज पॉसिबल ऑन बोर्ड और पेपर. ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, इन ऑर्डर टू स्टडी रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन हेचने खातिर लगो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. फिफ्थ पॉइंट लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन पेयर
इन्हें कोवेलेंट बॉन्ड जनरली बिलोंग्स टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। याद रखना इसका मेन प्रिंसिपल यही है, तनोस बॉन्ड वाटर समझे सिथ नजर था हमारे पास ये बॉन्ड था, यहां पर था कोवेलेंट बॉन्ड। ये रूल कहता है ऑक्सीजन नंबर रूल, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दोनों किसको बिलोंग करते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। याद रखना यम इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग करो किस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड जनरली बिलोंग्स टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये उसी को बिलोंग करते हैं। नोट करो ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम लिखेंगे रूल्स हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, दैट विल बी अवर सिक्स्थ पॉइंट। रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, समझ आई हुआ ना, ये आसान है। लिखो रूल्स, फर्स्ट रूल, यूस ये एलिमेंट जो आसान, अगर ये उस अनकंबाइंड स्टेट और इट इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होता है, जीरो। देखो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट इज मेड ऑफ एटम्स, कुंजे कर्ब वर्ड यूज एलिमेंट, कुंजे कर्ब वर्ड यूज एटम, इन अनकंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट इज टेकन इक्वल टू, किसके बराबर लेते हैं, जीरो। इसका मतलब है एच टू वस चु ऑक्सीडेशन नंबर जीरो बराबर, ओ टू वस चु जीरो बराबर, एन टू वस चु जीरो बराबर, सी एल टू वस चु जीरो बराबर, क्लियर। मैग्नीशियम से जीरो बराबर, अल्मोनियम से जीरो बराबर, सोडियम से जीरो बराबर, क्लियर। ऐसी हमारे पास है O3, इसका भी जीरो के बराबर होगा, P4, इसका भी जीरो के बराबर होगा, S8, इसका भी जीरो के बराबर होगा। इन सभी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर, जीरो होगा इन फ्री स्टेट, जब इन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया। नोट करो, दिस इज फर्स्ट रूल। रूल नंबर टू, the oxidation number of an element in its ionic form, याद रखना ionic form, लेकिन याद रखना अगर ये ionic ion है, it is made of only one type of atoms, only one type of atom का बनना चाहिए, is टेकन इक्वल टू इट्स चार्ज, जो इस पर चार्ज होगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स आयनिक फॉर्म। लेकिन याद रखना जो ये एलिमेंट है इट शुड बी मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक ही टाइप का एटम होना चाहिए इसमें, इज टेकन इक्वल टू इट्स चार्ज। जैसे अगर मिनिस्ट्री है सोडियम एन ए प्लस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन के बराबर, हमारे पास है Mg2+, इसका आएगा प्लस टू के बराबर, हमारे पास है Al3+, प्लस थ्री, हमारे पास है आयरन 2+, प्लस कद बराबरी इट इज प्लस टू। ऐसे ही जितने भी स्पीसीज होंगे उनका जो चार्ज होगा, लेकिन ये आयन इट शुड बी मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। नोट करो ये है सेकंड रूल। क्लियर बेटा, सेकंड रूल हुआ क्लियर, वेरी गुड। ऐसी अगर हमारे पास होगा सीएल नेगेटिव, ये माइनस वन के बराबर आएगा, अगर हमारे पास ओ टू नेगेटिव, ये किसके बराबर, माइनस टू के बराबर,
आपको सिर्फ देखना है चार्ज, जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। थर्ड रूल पे आ जाओ, रूल नंबर थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन एज माइनस वन, याद रखना प्लस वन सॉरी, इसको लेते हैं प्लस वन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अच्छा सा लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये लॉस करता है। एक्सेप्ट याद रखना, एक्सेप्शन याद रखना, अगर ये बनाए बाइनरी कंपाउंड्स, इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट विद मेटल्स, इट इज प्रेजेंट विद सोडियम, सोडियम हाइड्राइड सॉलिड, MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, यहां पर हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हाइड्रोजन का माइनस वन, क्योंकि यहां पर मेटल्स लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इनके लॉस इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन विल गेन इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहां पर माइनस वन। इन मेटल हाइड्राइड्स हाइड्रोजन हैज माइनस वन ऑक्सीजन स्टेट। अर्थ है जी में रिएक्शन, अगर याद ऐसी हमने Na को रिएक्ट किया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, उसने क्या बनाया सोडियम हाइड्राइड, इट इज एन आयनिक कंपाउंड, यहां पर प्लस चार्ज है यहां पर माइनस चार्ज है। देख बेटा यहां से यहां क्या हुआ, दो सोडियम से दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, टू इलेक्ट्रॉन लॉस, ठीक है बेटा। अब बताओ यहां से यहां क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन गेन, इसका मतलब है ना ये रिडॉक्स रिएक्शन है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसको हो गया ऑक्सीडेशन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने ये एक्सप्लेन किया, ये रिएक्शन सोडियम को हो जाता है ऑक्सीडेशन। इन सब ऐसी आपको हाइड्रोजन याद, इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन को हो गया रिडक्शन, इसने गेन किया, सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन ने गेन किया, इसका मतलब इसको हो गया रिडक्शन। मॉडर्न कंसेप्ट ने इस रिएक्शन को एक्सप्लेन किया, लेकिन ओल्ड कंसेप्ट ने इस रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया, नोट करो। दिस वॉज थर्ड। फोर्थ रूल लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स, याद रखना अल्कली मेटल्स इज टेकन इक्वल टू प्लस वन, इन अल्कली मेटल्स ना आसन सोडियम पोटेशियम रेबिडियम सीसियम, उनका लेता है प्लस वन, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल वो क्या हो, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, उसके लिए हम लेते हैं प्लस टू, याद रखना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्मोनियम, हमेशा याद रखना, इज टेकन इक्वल टू प्लस थ्री, अल्मोनियम कहा मान के चलते हैं प्लस थ्री, इन ऑल इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। रूल नंबर फाइव पे आ जाओ, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इनका आता है प्लस, अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए प्लस वन, अल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो इसलिए प्लस टू, अल्मोनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तीन इसलिए प्लस थ्री। रूल नंबर फाइव पे आ जाओ, फाइव, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली एक किसके बराबर इक्वल टू माइनस टू, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं छह, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए माइनस टू। लेकिन आपको एक्सेप्शन याद रखना, अगर यहां पर होगा परऑक्साइड, यहां पर है एक्सेप्शन, वो याद रखना, हमारे पास है परऑक्साइड, परऑक्साइड को सुस्पीसीज जहां पर ओ और ओ के बीच में होगा सिंगल बॉन्ड, याद रखना दिस इज ए परऑक्साइड, ये एग्जाम्पल है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखूंगा इट इज H2O2, अगर मैं यहां रखूंगा सोडियम, यहां रखूंगा सोडियम, इसका नाम पड़ेगा सोडियम परऑक्साइड, हमेशा याद था यहां पर आएगा माइनस वन क्योंकि यहां प्लस वन है, यहां पर माइनस वन, यहां पर प्लस वन, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होना चाहिए जीरो के बराबर होना चाहिए, वो भी एक रूल है, इसलिए मैं लिखूंगा परऑक्साइड में कितना होता है ओ का, इट इज माइनस वन, ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन परऑक्साइड इज इक्वल टू माइनस वन, परऑक्साइड में माइनस वन के बराबर, क्लियर हुआ। अगर हमारे पास है सुपर ऑक्साइड्स, एग्जाम्पल लिखो
KO2 और RbO2। हटा दो पोटेशियम को, क्या आएगा यहां पर चार, इट इज O 2-1। इसका मतलब है एक O पे कितना आएगा, एक O पे इसको आधा हो जाएगा, इट इज -1/2। इसका मतलब है परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। दोनों पे आचू -1, एक कूदा है -1/2। नोट करो दिस इज एक्सेप्शन, इन केस ऑफ परऑक्साइड्स इट इज -1, सुपरऑक्साइड्स इट इज -1/2। नोट करो, दिस वाज रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 पे आ जाओ। रूल नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, ये हेलोजन है, इज टेकन इक्वल टू, हमेशा याद रखना टेकन इक्वल टू -1। फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियाडिक टेबल। अच्छा, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, अच्छा आपको इलेक्ट्रॉन जरूरत, इसलिए वो गेन करेगा -1। फिर याद रखना हमारे पास है क्लोरीन, हमारे पास है ब्रोमीन, हमारे पास है आयोडीन। अगर इन्होंने कंपाउंड बनाया किसके साथ, मेटल्स के साथ, आयनिक कंपाउंड, क्या बनाया, आयनिक कंपाउंड, तब जाके इनका ऑक्सीजन नंबर -1 के बराबर। NaCl में, KBr में, Ni में, उनमें यह होगा -1। लेकिन अगर इन्होंने कंपाउंड बनाया किसके साथ, इंटर हेलोजन कंपाउंड विद फ्लोरीन, इन्होंने बनाया कंपाउंड किसके साथ, इंटर हेलोजन पानवे बनाए। अगर क्लोरीन और फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, क्लोरीन को आएगा पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन को आएगा नेगेटिव। अगर क्लोरीन और ब्रोमीन ने बॉन्ड बनाया, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रोमीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन पे आएगा माइनस चार्ज, ब्रोमीन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसी पॉइंट अगर ब्रोमीन है तो आयोडीन बनो बॉन्ड, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रोमीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, आयोडीन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। उन कंपाउंडों कहते हैं इंटर हेलोजन, इंटर मीन्स इन बिटवीन, पान वो इंटर हेलोजन कंपाउंड। अगर इन्हें शो किए और दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, उस वक्त इन पे चार्ज आएगा +1, दे विल शो +1, दे विल शो +3, दे विल शो +5, दे विल शो +7, ये ऑक्सीजन स्टेट भी शो करेंगे। अगर मैं आपको कहूंगा IF7 में व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयोडीन, इट विल बी +7। व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ IF5, ये आएगा +5। व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयोडीन इन IF3, इट इज +3। इसका मतलब है +1 भी आएगा, +3 भी आएगा, +5 भी आएगा, +7 भी आएगा। ये ग्राउंड स्टेट में शो करेगा +1, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में शो करेगा, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में शो करेगा, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में शो करेगा। वो आप याद मत रखो, यू तो याद, दे कैन शो प्लस ऑक्सीजन स्टेट व्हेन दे कंबाइन विद ऑक्सीजन और विद इंटर हेलोजन कंपाउंड्स पान वे। दिस इज द रूल नंबर 6, नोट करो। रूल नंबर 7 पे आ जाओ, अच्छा समझ। रूल नंबर सेवन लिखो, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट लिखो, ऑक्सीजन स्टेट, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन मेटल्स, ये क्या मेटल्स है, एस ब्लॉक, ये किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। जो ग्रुप नंबर है वही, अल्कली मेटल के लिए मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए +2। इसका मतलब है एस ब्लॉक के लिए किसके बराबर, ग्रुप नंबर। अगर मैं लिखूंगा फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां पर आता है कौन कौन फैमिली, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली एंड नियॉन फैमिली। ठीक है, नियॉन को छोड़ो, वो स्टेबल होता है, इतना याद रखो। यमो खतर हमेशा आसन, इट इज 10- ग्रुप नंबर, आपको पता है ग्रुप नंबर, इसको मार में भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूंगा ग्रुप नंबर इसके लिए क्या है, बोरॉन फैमिली के लिए इट इज 13th ग्रुप, त्रोहान वैसन 10, इट इज +3।
ये मॉड में है। ऐसी कार्बन फैमिली के लिए 14-10 प्लस 4 मैक्सिमम होगा, नाइट्रोजन फैमिली के लिए 15-10 प्लस 5 मैक्सिमम, ऑक्सीजन फैमिली के लिए 16-10 इट इज प्लस 6 और हैलोजन फैमिली के लिए 17-10 प्लस 7 होगा मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट। क्लियर, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, यस इलेक्ट्रॉन्स एस एन सो गो हाईएस्ट। पॉइंट नंबर 8 लिखो, इफ इन ए कंपाउंड वी हैव मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट देन इट्स ऑक्सीजन नंबर इज एवरेज। हमारे पास ये एटम है Na2S2O3, ये हमारे पास ये कंपाउंड है, ये इतना सल्फर ज, इसका मतलब है जो इसका ऑक्सीजन नंबर होगा वो इस दो सल्फर एटमों का एवरेज होगा। अगर एक सल्फर ऑक्सीजन स्टेट प्लस 3 दूसरे का है प्लस 4, उन दो का एवरेज निकालो वही होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। याद रखना इफ इन ए कंपाउंड वी हैव मोर देन वन काइंड ऑफ इफ वी हैव मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट, ऐसे लिखो इफ वी हैव ऐसे लिखो बेटा इफ इन ए कंपाउंड वी हैव मोर देन वन एटम ऑफ सेम एलिमेंट, मोर देन वन एटम ऑफ सेम एलिमेंट देन इट इज ऑक्सीजन नंबर इज एवरेज ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ दीज एटम्स। शशि वो यह सल्फरस क्या चुके यह क्या ऐसे ही आप देखो ओ हमारे पास तीन है, तीनों ओ का एवरेज ले लो वो होगा ऑक्सीजन नंबर ऑन ईच एटम। ऐसे सोडियम का एवरेज निकालो दोनों का वही होगा, समझे यून सल्फर खतरा से एवरेज, इसके लिए एवरेज। ये पॉइंट भी याद रखो, दिस इज पॉइंट नंबर 8। 9 पे आ जाओ, पॉइंट नंबर 9 रेडिकल्स आर ट्रीटेड एज सिंगल स्पीसीज एंड चार्ज प्रेजेंट ऑन देम इज टेकन एज इट इज ऑक्सीडेशन नंबर। रेडिकल वो होता है जहां पर एक से ज्यादा एटम्स हो और उस पर चार्ज हो पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल मैं शो करूंगा, हमारे पास है OH नेगेटिव, इसका ऑक्सीजन नंबर किसके बराबर -1, याद रखना ये दोनों का है O नेगेटिव। ऐसी हमारे पास है CO3 2-, इसका मतलब है अगर आप सम करोगे ऑक्सीजन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 3 ओ का, उसका वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए -2 के बराबर, याद रखना। चशी कारण यम सुन ऑक्सीजन नंबर कार्बन सुन बे त्रेन ओन ऑक्सीजन नंबर मोलू तिहुन सम गए बराबर -2, वही डिनोट करता है -2। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है N3-1 इट इज -1, हमारे पास है SO4-2 इट इज -2, हमारे पास है S2O3 2-, इट इज -2। क्लियर बेटा, दीज आर रेडिकल्स अच्छा मोर देन वन एटम्स विद चार्ज। ऐसे ही अगर हमारे पास आया NH4+, इसका मतलब है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, उनका सम किसके बराबर +1 के बराबर, ये है हमारा रूल नंबर 7। रेडिकलों को हम ट्रीट करते हैं एक ही स्पीशीज, टोटल चार्ज जो होता है वही होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द रेडिकल, लेकिन याद रखना ये इन स्पीशीज का सम ऑफ ऑक्सीजन नंबर होता है, इवन कर सार में से जमा तब तक रोजो -2 बराबर नोट करो। ऐसी अगर हमारे पास ये है FeCN6 4-, ये आएगा -4 के बराबर, ऐसे क्योंकि ये रेडिकल है।
लास्ट लिखो सम ऑफ, लास्ट रूल लिखो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन ए कंपाउंड, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन ए कंपाउंड शुड बी इक्वल टू जीरो, शुड बी इक्वल टू जीरो. सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन ए कंपाउंड शुड बी इक्वल टू जीरो. मगर इन केस ऑफ रेडिकल द सम शुड बी इक्वल टू चार्ज. रेडिकल बराबर सम का चार्जेस, लेकिन इन केस ऑफ कंपाउंड जो न्यूट्रल है वहां सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. ये है हमारे पास रूल्स.